हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ फार्माकोग्नोसी के ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो जी पैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी और फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है एंटी लेप्रोटिक्स ड्रग्स। आप सभी जानते हैं लेप्रसी इन्फेक्शन होता है जिसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से हमारे बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है जो पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं। पहला ड्रग आपका चाउल मुगुरा ऑयल है और दूसरा ड्रग आपका ब्राह्मी है। तो चलते हैं हम लोग पहले ड्रग के ऊपर। पहला ड्रग चाउल मुगुरा ऑयल है, इसकी ट्रिक्स बनाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कोई मुर्गा है और उस मुर्गे ने हाइड करके रखा है और वो हाइड क्या किया है, उसने चावल को हाइड किया है। तो जैसे हम लोग लेप्रसी के पेशेंट को हाइड करते हैं, इन्फेक्शन बाकी लोगों को न होना चाहिए, वैसे यहाँ पे मुर्गे को हाइड किया है। हाइड कहाँ पे किया है, तो हाइड किया है कार में। और कार कैसी है, तो ये कार मिनी कार है। तो इसका आप BS ध्यान में रखिए, हिडनोकार्पस एंथेलमिंटिका, और इसको हाइड करने के लिए उसको हम लोग कोर्ट में ले जा रहे हैं। तो इसकी फैमिली फ्लाया कोर्टेसी है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाउल मुगरिक एसिड एंड हाइड्रो कार्पिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये लेप्रोसी में यूज़ होता है, वैसे ये TB में भी यूज़ होगा, क्योंकि TB में भी जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाए, मतलब दोनों भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाए है तो वहाँ पे उसका यूज़ होगा। और इसके अलावा हम लोग इसको रूमेटिज़म में भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग है आपका, नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी डायबिटिक। आप सभी जानते हैं डायबिटिक्स में शुगर लेवल बढ़ती है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपके बॉडी में पैंक्रिया से इंसुलिन नहीं बनता है, या तो जो बना हुआ इंसुलिन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो हमें कुछ ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लांट डिराइव ड्रग्स हैं। पहले का नाम है जिम्नोमा, उसके बाद है पेट्रोकार्पस, और नेक्स्ट ड्रग है आप सभी जानते हैं बीटल गार्ड, करेला होता है। तो ये करेला हम लोग खाते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो चलिए पहले ड्रग के ऊपर जिसका नाम जिम्नेमा है ट्रिक्स बनाते हैं। जिम्नेमा आप जानते ही होंगे, ये मधुनाशी है, मधु मतलब मीठा, ग्लूकोज को कम करता है। तो ध्यान में रखिए आपकी माँ ने क्या कहा है, आपको जिम लगाने के लिए बोला है। क्यों बोला है, तो आपकी वेस्ट बड़ी है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल। तो इस प्लांट का नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्टर। तो जिम्नेमा में माँ का मतलब आपकी माँ बोल रही है, माँ ने क्या कहा है, जिम लगाने के लिए बोला है, और आपको पूछती है, आस्क आस्क करती है। क्या आस्क करती है, तो लेपी मतलब आपको कुछ जूस पीने के लिए देती है, एंड शी आस्क दैट ले पी ले। तो इसकी फैमिली अस्क्लेपीडियासी है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट हेन ट्राइकोंटेन और पेन ट्राइकोंटेन है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट दूसरा है जिसका एंटी सैकेरिन प्रिंसिपल हम बोलते हैं, जो जिम्नेमिक एसिड है वो एक्चुअली आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में ये नेचुरली बनता है एज ए सॉल्ट ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट ड्रग है आपका पेट्रोकार्पस। आप ध्यान में रखिए इसकी स्पीसीज का नाम है मार्सुपियम। तो मार्सुपियम इसमें सुपियम आता है, मतलब आपने सूप पिया है और उस सूप में ग्लूकोज है, तो आपके बॉडी का ग्लूकोज बढ़ गया है। जब आपके बॉडी का ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको चलने में दिक्कत होगी। जब आपको चलने में दिक्कत होगी तो हमें आपको कार में बिठा के लेके जाना पड़ेगा। तो कार कैसी, यहाँ पे तो कार चलती है पेट्रोल पे। तो ध्यान में रखिए पेट्रो कार्पस ये इसका जीनस का नाम है और मार्सुपियम इसका
स्पीसीज का नाम है और इसकी फैमिली लेगुमिनसी है। इसमें केमिकल कंस्टेंट किनोटैनिक एसिड, किनोइन एंड किनोरेड इम्पोर्टेंट है। एंटी डायबिटिक के अलावा ये एक अच्छा एस्ट्रिंजेंट ड्रग भी है। तो चलो ध्यान में रखिए, सूप पिया है सुपियम, लेग में तकलीफ हो रही है लेगुमिनसी, और आप पेट्रोल वाली कार में बैठ के जा रहे हैं। तो पेट्रोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनसी, ये इसका BS है। नेक्स्ट कैटेगरी है डायुरेटिक्स। आप सभी जानते हैं डायुरेटिक्स ये ऐसे ड्रग्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। जब वो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे तो यूरिन फ्लो को भी बढ़ाते हैं। इसमें तीन ड्रग्स हैं जिसको आप GTP बोलते हैं। जी मतलब गोखरू, टी मतलब हमारा टी चाय, और आपका पी मतलब पुनर्नवा। पहला ड्रग है गोखरू, ट्रिक्स बनाते हैं। आप ध्यान में रखिए, ड्रग्स बोल रहा है गो, पहले बोलता है GO मतलब गो, और आखिरी में है UR, UR का मतलब यूरिन, मतलब आपको यूरिन के लिए भेज रहा है। कब भेजता है ये? मोस्ट ऑफ टाइम जो लोग अल्कोहल पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो वाइन पीने के बाद उनको बहुत से बार यूरिन को जाना पड़ता है। तो आपका वाइन पीने के बाद आपका ड्रग बोलता है गो फॉर यूरिन। अब ये वाइन कितने लोग पी रहे हैं? तो हम बोलेंगे तीन लोग पी रहे हैं। कहाँ पे पी रहे हैं? तो हम लोग टेरेस पे बैठ के पी रहे ऐसे बोलेंगे। तो तीन का मतलब यहाँ पे ट्राइबुलस है, और टेरेस मतलब इसकी स्पेसीज टेरेस्ट्रिस है, और इसकी फैमिली जाइगोपाइलेसी है। तो आप ध्यान में रखिए, इसमें केमिकल कंस्टेंट अल्कलॉइड है। तो आप ध्यान में रखिए, हर मैन अल्कोहल पीता है, तो इसका हरमन और हरमाइन केमिकल कंस्टेंट है। इसके अलावा डायोजोनिन भी इम्पोर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट ड्रग है आपका पुनर्नवा। अभी जैसे तीन लोग अल्कोहल पी रहे थे तो उसमें एक नवा नया आदमी आ गया, तो उसको हम बोलेंगे हम लोग नवा। और वो कब आया? बाद में आया, तो उसको हम बोलेंगे हम पुनर। अब जो नया आदमी आया है वो अल्कोहल नहीं पीता है। अब जब नहीं पीता है तो ये लोग उनको वीड बोल रहे। इसे वीड कैसे होता है? अनवांटेड। जैसे ये अनवांटेड पार्ट हो गया, तो जो नहीं पीता है उसको बोर हो रहा है, उसको डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है? क्योंकि ये लोग रात को अल्कोहल पी रहे हैं। तो इसका BS बनता है बोयर हैविया डिफ्यूज़ा और निक्टेजिनसी फैमिली। तो आपको ध्यान में रखना है, वो जो नया व्यक्ति है उसको बोर हो रहा है, डिफरेंट लग रहा है। कब लग रहा है? तो रात को लग रहा है। तो इसका ऐसा BS है, केमिकल कंस्टेंट पुनर्नवीन है, और उर्सुलिक एसिड है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।